मैंने हबीब तनवीर साहब को पहली बार 1990 में देखा था, आज से कोई मतलब 27-28 बरस पहले। मैं एकदम हाल में दिल्ली आया था और थिएटर का थोड़ा बहुत शौक़ था, तो इधर उधर घूमता रहता था नए नए नाटक देखने के लिए। तो प्यारे लाल भवन है ITO पे, एक ज़माने में उसमें नाटक हुआ करते थे, तो वहाँ MK रैना साहब का मदर नाटक हो रहा था, जो रूसी नावल निगार मैक्सिम गोर्की की किताब पे बेस था। तो उसके फॉयर में मैं घुसा तो दूर से मुझे नोटिस बोर्ड पे नोटिस देखते हुए हबीब साहब नज़र आए। नीम सर्दियों के दिन थे, एक पीक्ड फ्रेंच कैप वो पहने हुए थे, एक शॉल उनके गिर्द लिपटी हुई थी और एक पाइप उनके मुंह में था। तो वो दूर से मैंने उनको बस देखा और वो अपने आप में वो मंज़र और वो शख्सियत इस कदर जाज़िब नज़र, इस कदर ग्लैमरस थी कि मेरे जहन में एक थिएटर डायरेक्टर की जो इमेज थी वो उनको देख के ही कायम हुई, और अभी भी मेरे जहन में किसी थिएटर डायरेक्टर की जो इमेज है वो अभी तक वही है। मेरा उनसे गायबाना तारुफ उसके एक साल पहले हुए था, जब मैं स्कूल में था, बोर्डिंग में, देहरादून में पढ़ता था, और फिर मैंने उस ज़माने में नया नया थिएटर का शौक़ हुआ था। मोहन महर्षि हमारे स्कूल आए थे, तो मैंने पेपर में पढ़ा कि कोई नेहरू रंग महोत्सव हो रहा है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। ये पहला वो ऐसा देश भर का थिएटर फेस्टिवल था जो NSD ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जो अब आज को भारंगम के नाम से जाना जाता है। तो मैंने उसमें पढ़ा कि जी हागरा बाज़ार रिवाइव हो रहा है, तो अपने स्कूल से हेडमास्टर से ज़िद्द करके फिर हम चार लोग दिल्ली आए थे और हमने आगरा बाज़ार कामानी में देखा था, बालकनी में, बहुत ऊंची की सीट थी, बहुत ऊंचे बैठ के देखा था। उस ज़माने में उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो थोड़ा बहुत था, लेकिन एक जहन में वो जो उसकी जो इमेज बैठ गई थी। तो वो एक नाटक मैंने देखा हुआ था, उस दिन हबीब साहब को देखा। फिर उनसे बाकायदा मुलाकात बहुत सालों बाद हुई, जब 2005 में मैंने दास्तानगोई रिवाइव कर ली थी, उसके बाद उनसे मुलाकात हुई। उस ज़माने में मैं दास्तानगोई भी कर रहा था और कुछ थोड़ा बहुत इधर डॉक्यूमेंट्री वगैरह की तरफ मेरी दिलचस्पी थी, तो उन पे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने की का इरादा अनुषा और हमें आया। तो मैं उनसे मिलने गया, फिर भोपाल गया, फिर उनका रहन सहन देखा, वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट की, वो भी रोज़ों के दिन थे, और हबीब साहब आगरा बाज़ार की ही रिहर्सल ले रहे थे और छत पे कहीं रिहर्सल हो रहा था और पीछे बहुत दूर कहीं जागरण चल रहा था, लेकिन बड़े ज़ोर की आवाज़ आ रही थी और बड़े वो परेशान थे। लेकिन मैं जो मुझे देख के हैरानी हुई कि आगरा बाज़ार नाटक जो 2006 की 2005 की ये बात है, 50 साल पहले वो नाटक कर चुके थे और हज़ारों शोज़ उसके हो चुके होंगे, लेकिन जब वो रिहर्सल कर रहे थे तो अपने एक्टर्स से, जो यकीनन जो पुराने एक्टर्स से उनका लेवल नीचे ही था, इस दिलजमई से उन्हें देख रहे थे और इस तरह इस कॉन्सेंट्रेशन और इस लगन से उस नाटक को देख रहे थे कि जैसे पहली बार रिहर्सल कर रहे हैं। ये अजीब व गरीब बात थी कि उनका मतलब थिएटर से, नाटक से, एक्टर्स से, चाहे कितने ही ख़राब एक्टर्स हों, वो कभी उकताते नहीं थे। तो मुझे याद है एक लाइन है जिसको एक आदिवासी एक्टर बाबा चरण राम को बोलना था कि ज़िंदगी है तो भुगतना ही होगा। तो हबीब साहब ने उन्हें टोका और कहा कि नहीं 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 नहीं, भुगतना ही होगा नहीं कह सकते, क्योंकि ही उसमें इजाफी है, उससे वज़न गिर जाता है। और उन्होंने उसे बाकायदा गा के सुनाया कि ज़िंदगी है तो भुगतना होगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री में ये शॉट जब आता है, उसके ठीक पहले उनकी वाइफ मोनिका दी की का इंटरव्यू है, जो उनकी 50 साल की पार्टनर थी और हकीकत नया थिएटर खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और मोनिका दी ये कहती हैं कि हबीब थक गए हैं अब, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। और उसके फौरन बाद हबीब साहब का ये लाइन गाते हुए आती है, ज़िंदगी है तो भुगतना होगा। तो वो फिल्म बनी, उसके बाद हबीब साहब के साथ काफ़ी रब जब्त रहा, दिल्ली आते थे जब भी तो मुलाकात होती थी, भोपाल गए हम तब भी मुलाकात हुई, दास्तानगोई की उन्होंने शुरू की एक आध रिहर्सल्स भी लीं, बहुत खुश थे दास्तानगोई से। फिर बाद में 2-3 साल बाद उन्होंने उसे देखा तो बे इंतहा खुश थे कि उसमें और इम्प्रोवाइजेशन हो गया है और दीगर कहानियाँ मैंने कहनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, मज़े की बात एक और बात है कि इत्तेफाक़ है ये सब की, मतलब जब मैं कॉलेज में था और थिएटर की तरफ रागिब हो रहा था, तो शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि अरे भाई ये देखो, ये थिएटर वगैरह की लाइन इतनी आसान नहीं है, तुम्हें पता है हबीब तनवीर को कितने बरस लगे हैं वहाँ तक पहुँचने में जहाँ वो आज हैं। तो मेरे जहन में हबीब साहब की एक तो दिलकश शख्सियत, फिर वो आगरा बाज़ार, और वो एक फिर एक एक आदमी जिसने बरसहा बरस स्ट्रगल किया उस मुकाम तक पहुँचने के लिए, लेकिन अपनी रविश पे और अपने आस्थाओं पे और अपने आदर्शों पे कायम रहा। तो एक जद्दोजहद करने वाली आर्टिस्ट और फनकार की जो इमेज थी वो भी उनकी तरफ से पूरी हुई। हबीब साहब का कमाल ये था मेरा ख्याल, और जो उनके थिएटर का कमाल था, कि हबीब साहब
हिंदुस्तान के किसी गांव में भी टोटली एट होम थे और न्यूयॉर्क और लंदन के बड़े से बड़े स्टेज पे भी टोटली एट होम थे। उनके थिएटर का कमाल ये था कि आप अगर आज थिएटर का तसव्वुर करें तो थिएटर का मतलब है शहरों में की जाने वाली ऐसी चीज़ जिसे पढ़े लिखे शहरी बूझवा तबके के लोग देखते और सुनते हैं। हबीब साहब ने अपने थिएटर के ज़रिए ऐसा थिएटर तैयार किया कि आप हरियाणा के किसी गांव से बस लेके सीधे लोगों को श्रीराम सेंटर में घुसा दें और वो उनके थिएटर से उतना ही लुत्फानंदोज होंगे जितना लंदन और न्यूयॉर्क में रहने वाले एलीट थिएटर गोइंग ऑडियंसेस। ये बेइंतहा कमाल का कारनामा है। किसी और थिएटर डायरेक्टर के पास ना ऐसा मवाद रहा ना ऐसा कंटेंट रहा जो इस ऊंच नीच को मिटा दे। उन्होंने ऐसी थिएटर की लैंग्वेज खल्क की जिसमें म्यूज़िक भी था, जिसमें सादगी भी थी, जिसमें ह्यूमर भी था और जिसमें थिएटर का वो सारा तामझाम नहीं था कि जनाब मेरे पास अगर 50 लाइटें नहीं हैं तो मैं शो नहीं कर सकता। वो गांव के चौपाल में भी उनका शो हो सकता था, किसी मेले में भी उनका शो हो सकता था, किसी बड़े से बड़े स्टेज पे भी, कॉलेज में, ऑडिटोरियम में, IIT में, IIM में, कहीं भी उनका शो हो सकता था। मैंने चरणदास चोर IIT दिल्ली में भी देखा है, मैंने चरणदास चोर बम्बई के पृथ्वी थिएटर में भी देखा है, मैंने दिल्ली के कॉलेज में भी देखा है और इस तरह से हमेशा उसका रिस्पांस यकसां रहा। दूसरी जो अहम चीज़ उनके थिएटर की थी वो उन्होंने गांव के आदिवासी एक्टर्स को लाके स्टेज पे खड़ा किया। पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में और शायद दुनिया में भी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही जाहिल जिसे कहें, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं, हिंदी भी नहीं बोल पाते, ऐसे एक्टर्स को वो स्टेज पे लेके आए। उस ज़माने में, जिस ज़माने में फोक का कोई नाम लेने वाला नहीं था, मैं 60s की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल उनके साथ काम किया और आखिर उन्होंने अपना लोहा मनवाया न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया की तमाम जगहों पर। उनके आदिवासी एक्टर्स जब फ्रांस गए, जब लंदन गए, उन्होंने बहुत उसका जिक्र किया है किस तरह से वो अब शटों में रह रहे हैं फ्रांस में। सोचिए वो एक्टर्स जो छत्तीसगढ़ के गांव से निकल के आए हैं, उन्हें नहीं पता कि जी कालीन क्या है, कि वेस्टर्न टॉयलेट क्या है, कमरे में AC क्या है, लेकिन उन्हीं एक्टर्स को लेके वो दुनिया भर घूमे। और अपने एक्टर्स के साथ उनका दो रिश्ते थे, एक जब वो डायरेक्टर थे और स्टेज पर डायरेक्ट कर रहे होते थे और एक शो के बाद जब एक्टर्स उनसे हंसी मजाक करते थे, गाली गलौज भी होती थी, सर फुटव्वल भी होती थी, तरह तरह की चीज़ें होती थीं। हबीब साहब उसी खंदा पेशानी से रात की बात, रात गई बात गई को भुला के अगले दिन फिर उसी खुश मिजाजी से उनके साथ नाटक करना शुरू कर देते थे। और जो अहम बात उनकी शख्सियत की मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि उनकी शख्सियत में एक खुश मिजाजी थी, वो उनका हिस्से मिजाज बहुत अच्छा था, खुश मिजाजी थी, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं होने दिया कि अपना बड़प्पन हावी होने दें। वो हमेशा लोगों से ऐसे मिलते थे जैसे दोस्त हों। अनुषा और मुझे वो हमें अपना दोस्त कहते थे, हालांकि उम्र में भी बहुत फ़र्क था, उनके अचीवमेंट्स में हमारे उसमें बड़ा तफावत था, लेकिन उनकी एक जो है एक जिंदा दिली और इसे कहा जाए कसरे नफसी भी कहना उसके लिए सही नहीं, एक बुनियादी एक इंसानियत थी, एक एसेंशियल ह्यूमनिज्म, जिसकी वजह से वो तमाम तबकों में हर दिल अजीज थे और दोस्तियाँ उनकी थीं। अभी उस दिन कोई आया था बता रहा था कि जब सफदर हाशमी की मौत हुई थी, हबीब साहब से बहुत जूनियर थे सफदर हाशमी, लेकिन हबीब साहब इस तरह फूट फूट कर रो रहे थे कि जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। तो एक वाबस्तगी थी उनसे, उनकी एक इंसानियत, इंसानों की तरफ उनकी जो एक कमिटमेंट था आम इंसान की तरफ। वैसे तो वो तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक रहे, इप्टा में रहे बॉम्बे में 1940s में, अपने बाप के ICS ड्रीम को धता बता के बम्बई पहुँचे, फुटपाथ फिल्म में दिलीप साहब के साथ एक्टिंग की, बहुत सारे ड्रामे वहाँ किए, वो उर्दू के अच्छे शायर भी थे, खुद अपना कलाम बहुत अच्छा सुनाते थे। वो किसी फील्ड में जाते तो उस फील्ड में अपने आप बहुत कामयाब रहते, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में 1950s में थिएटर को सुना जब थिएटर में कोई ख़ास ग्लैमर नहीं था और पारसी थिएटर ख़त्म हो चुका था, और फिर उस पर कायम रहे 40-50-60-70 साल तक और जूझते रहे, लड़ाई करते रहे और बहुत सादगी से काम करते रहे। 20-25 बरस तक दिल्ली में रहे, दो कमरों के फ्लैट में रहे, दो कमरों के लोगों के साथ काम किया, उसी में रिहर्सल की। तो ये सादगी, ये पैसे की लालच से दूर रहना, अपना काम करते जाना, ये 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 एक तरह से हमारी जो फ़नून लतीफ़ा की जो रिवायतों का जो धारा तसव्वुफ़ से जाके मिलता है उसकी एक कड़ी थे कि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सर्वोस्त्वा कर्मण्य। कर्म किए जाओ, वो कर्म करते रहे, कर्मयोगी थे लेकिन खुश मिजाज थे, ये बहुत बड़ी बात है, खुश्क मिजाज नहीं थे। तो हबीब साहब से मुलाकातें जैसा मैंने अर्ज़ किया 2005-06 से बड़ी हैं, वो दिल्ली आते थे, जब भी आते थे मिलते थे, और फिर 2006-07 में उन्होंने अपनी खुदनविश लिखने का सिलसिला शुरू किया उर्दू में। तो वो पहले अखबारों में कुछ उसके मजामीन छपे, तो जिस ज़माने में मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था उसकी भी कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी उसमें से। तो वो अब उनका ये कॉन्फिडेंस का ही कहा जाएगा कि 82-83 बरस की उम्र पे उन्होंने लिखना शुरू किया, और उस वक्त उनको ये एतमाद था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल रहूँगा कि मैं जो है वो 3 वॉल्यूम में लिखूँगा उसको। तो हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो उस पर अटल रहे। तो फिर मैंने पेंगुइन से उनका राबता कराया, पेंगुइन से उनको किताब का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उनकी किताब जो है वो लिखते लिखते वो उनका इंतकाल हो गया। तो फिर खुदनविश्त उनकी उर्दू में छपी, फिर उसको मैंने उर्दू अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, और 2013 में वो पेंगुइन से छपी हबीब तनवीर मेमवार्स के नाम से, और बे इंतहा खूबसूरत किताब है। उसमें मतलब मैंने दीवाचा भी बड़ा लंबा उसका लिखा बताते हुए कि कहाँ से आई कैसे आई। वो छत्तीसगढ़ रायपुर का मुस्लिम मुआशरा 1920-1925 का, वो उनकी बड़ी बहनें, उनकी माँ, उनके काले मामू, उनके बांस वाले मामू, उनके नानी के एक भाई पुलिस में, एक भाई कांग्रेस में, वो मस्जिदें, मीलादें, वो आदिवासियों के साथ आना जाना, आसपास के जंगलों में घूमना, फिर थिएटर की तरफ रागिब होना, फिर नागपुर जाना, फिर अलीगढ़ आना, फिर अलीगढ़ से बॉम्बे जाना। तो बदकिस्मती से वो किताब 1955 में ख़त्म हो जाती है जब उनका थिएटर का करियर शुरू हो रहा था। फिर भी उसमें लेकिन इतना मवाद है और इतनी उसमें जो है वो स्टोरीज़ हैं और इतनी चीज़ें हैं कि थिएटर से या उर्दू अदब से या हिंदुस्तानी फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाले किसी भी आदमी के लिए वो एक बेशकीमती किताब है। उर्दू में आ चुकी है, अंग्रेज़ी में आ चुकी है, राजकमल से हिंदी में जल्दी आने वाली है, और उम्मीद है उनके हज़ारों लाखों परस्तारों तक ये किताब हिंदी में जल्द पहुँचेगी। बातें हमारी याद रहें, अब बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक मत धुनिएगा।